हे फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त ये पिंकी गोयल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ओनरशिप के बेसिस पर कंपनी कितने टाइप की होती है। वैसे तो आपने नाम सुना होगा, कंपनीज बहुत टाइप की होती हैं, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी, चिट फंड कंपनी, क्लब होते हैं, होल्डिंग, सब्सिडरी वगैरह वगैरह। बट ओनरशिप के बेस पे कंपनीज कितने टाइप की होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वन पर्सन कंपनी, मतलब एक ही मेंबर यहाँ पे अलाउड है। फ्रेंड्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि कंपनीज एक्ट 13 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। पुराने एक्ट में ऐसी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सो इसकी जरूरत महसूस की गई कि अगर किसी सिंगल पर्सन के पास भी एक अच्छा आइडिया है, जो अच्छा अपना काम कर सकता है, कंपनी खोल सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बनाया। अगर आपको डिटेल में इसकी वीडियो देखनी है तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन में उसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया, वहां जाके मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज के अंदर मिनिमम मेंबर्स होंगे 2 एंड मैक्सिमम होंगे 200। फ्रेंड्स, ये जो 200 की लिमिट है, पुराने एक्ट में ये थी 50 की, उसके बाद इसको बढ़ा के 200 किया गया। बात करें अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की एंड प्रोहिबिशन टू पब्लिक, सो जिस तरीके से आजकल प्राइवेट शादियां हो रही है, प्राइवेट लोगों में, परिवार के लोगों में, उसी तरीके से प्राइवेट कंपनीज में भी आप सिर्फ परिवार के लोगों से ही पैसा ले सकते हैं, बाहर आप पब्लिक में पैसा नहीं ले सकते और ना ही अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है मरियट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। इनके अंदर मैं और आप मिलके शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं, बिकॉज ऐसा करना प्राइवेट कंपनीज में अलाउड नहीं होता है। मूविंग नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी, सिंपल है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, वेरी कूल। सो मिनिमम नंबर्स यहाँ पे होंगे 7 एंड मैक्सिमम हो सकते हैं 9 लिमिट, आप कितने भी मैक्सिमम नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम पेडअप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, शेयर्स इजिली ट्रांसफर हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडिया का अगर आपने शेयर खरीद रखा है, या जियो कंपनी का खरीद रखा है, टीसीएस का खरीद रखा है, टाटा का खरीद रखा है, तो ये सब पब्लिक कंपनीज हैं। आप इनके शेयर्स, आप और मैं, कोई भी इजीली मार्केट में इनके शेयर्स खरीद सकता है, बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑल राइट, आपने लिमिट्स देख ली, अब हम एक क्विक समरी रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट हो जाए। मिनिमम मेंबर्स की बात करें, ओपीसी याद रहेगा, वन पर्सन, सो नाम से ही पता लग रहा है वन पर्सन कंपनी, तो कितने मेंबर्स होंगे, वन ही होंगे। प्राइवेट के अंदर 2 पर्सन होंगे एंड पब्लिक के अंदर हो सकते हैं 7, सो 1, 2 एंड 7। मैक्सिमम नंबर्स की बात करें, सो प्राइवेट ओपीसी के अंदर 1 ही होगा, प्राइवेट में 200 एंड पब्लिक में नो लिमिट, 1, 200 एंड नो लिमिट। शेयर ट्रांसफर, ओपीसी लिमिटेड में आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनीज, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैरियट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर्स मैं और आप मिलके नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा प्राइवेट कंपनीज में अलाउड नहीं होता है। पब्लिक कंपनी जियो के शेयर्स हम खरीद सकते हैं, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, रिलायंस के खरीद सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑल राइट, बिकॉज ये है पब्लिक कंपनीज। थैंक यू, आज की मेरी वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर होगा, अदरवाइज आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद अदर। स्टे ट्यून्ड टिल माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।